फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कई सारे फोटो को जोड़ करके ऐड करके आप कैसे एक वीडियो बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो बना के आप स्टेटस भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो यूट्यूब में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से आपको एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैं 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको मीडिया दिख रहा है। मीडिया में जाके आपको जो भी फोटो को सेलेक्ट करना है उस फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाना चाहते हैं। सारे वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए, बीच वाले ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर आपको जो इसको बड़ा छोटा करना, आप बड़े छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं करके बताता हूँ आपको, देखिए आपको ऐसा करूँगा तो आपको ये पूरा ही दिखेगा। इसको ओके कीजिए, देखिए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह आप सभी फोटो में कर सकते हैं। जिस फोटो में आपको लगे कि यहाँ पे जरूरत है तो आप उस फोटो में कर सकते हैं। मैं करके बताता हूँ। अभी जैसे इस फोटो में मुझे चाहिए कि मैं इसको भी थोड़ा सा ये कर दूँ ताकि पूरा दिखे। देखिए मैं इसको थोड़ा आगे ऐसा कर देता हूँ, इस तरह ऐसे कर दीजिए। इस तरह आप सारे फोटो में कर सकते हैं। और अगर आप जूम रखना चाहते हैं तो ऐसे जूम भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। आगे में जाइए, ऑडियो में जाइए, फिर वहाँ से आप कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक सेलेक्ट होने के बाद आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है 3D ट्रांजेक्शन, उसको सेलेक्ट कीजिए। पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, वापस आ जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, 3D ट्रांजेक्शन में सेलेक्ट कीजिए। फिर आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, वापस से सेलेक्ट कीजिए, 3D ट्रांजेक्शन में जाइए, वापस से आप 3D फ्लिप कर दीजिए, जो भी आपको मन चाहे आप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर ट्रांजेक्शन में जाइए, फिर नीचे वाले ऑप्शन में चल जाइए, फिर वापस आप इसको ओके कर दीजिए। वापस इसको ये करने के बाद फिर ट्रांजेक्शन में जाइए, फिर यहाँ पे 3D जूम फ्लिप कर दीजिए। अब जो चाहे वैसा आप कर सकते हैं। वापस जाइए, फिर ट्रांजेक्शन में जाइए, फ्लिप कर दीजिए। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद आपको जो ये म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ट्रिम पर जाइए और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए। ओके कीजिए, फिर प्ले कीजिए वापस से। पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पर जाना है। शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। आप अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से उसे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।